दोस्तों, फैशन पैशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक पहले का वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन लाए हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने बाटिक वर्सेस बाटिक का एक वीडियो बनाया था पहले। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, जिसमें हम लोगों ने प्रोशियन बाटिक में क्या डिफरेंस होता है, हैंड प्रोसेस बाटिक में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात की थी। आज उसी वीडियो का हम लोगों ने एक्सटेंडेड वर्जन लाया है। बाटिक प्रिंट के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज होती है, तो और बाटिक का ट्रेंड जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने ये वीडियो एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है। थोड़ी आज वायरल होने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, बट आज हम लोगों के पास में इतनी सारी जो वेराइटीज थी सारी की सारी हॉल में अवेलेबल थी, इसके लिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को सबसे पहले तो मन में एक क्वेश्चन होगा कि बाटिक क्या होता है। एक्चुअली बाटिक जो है एक टेक्सचर का नाम होता है। जो टेक्सचर होता है उसको हम लोग बाटिक बोलते हैं। जैसे मैं आपको अभी आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको जो दिखाता हूँ एक बार आप ये देखिएगा, जैसे ये जो टेक्सचर दिख रहा है ना, इस तरीके के टेक्सचर को, ये वाले टेक्सचर को, ये टेक्सचर को, ये टेक्सचर को, इन सबको हम लोग बाटिक बोलते हैं। आप जैसे मतलब जो सिमिट्री में नहीं चलता है, छोटा छोटा गोला बना हुआ होता है, साइड के बॉर्डर्स बने हुए होते हैं, और मतलब जो प्रिंट्स जो रहती है वो लाइंस और सर्कल्स और इस टाइप के जो प्रिंट्स बने हुए रहते हैं उसको हम लोग बाटिक टेक्सचर बोलते हैं। तो बाटिक कोई पर्टिकुलर कोई कपड़े का नाम नहीं है। बाटिक जो है वो प्रिंट का एक टेक्सचर का नाम होता है। तो जिसके ऊपर भी बाटिक छापना चाहे बाटिक छाप सकते हैं। आज के टाइम पे बाटिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे अजरक ट्रेंडिंग में चलता है, वैसे वैसे बाटिक हमेशा से ट्रेंडिंग में चलता है। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज के ऊपर बाटिक छपता है। जैसे पहले हमने देखा था प्रोशिन के ऊपर बाटिक, आज हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले चार अलग अलग क्वालिटीज के ऊपर बाटिक छपने की चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आइटम है हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे ये जो है ये प्रोशिन प्रिंट के ऊपर बाटिक छपा हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात की थी। ये पूरा मशीन के ऊपर माल छपता है, गारंटेड फास्ट कलर होता है, और ये जो रहता है मशीन प्रिंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ बाटिक प्रिंट है दोस्तों, ये बाटिक का कपड़ा नहीं है, ये बाटिक का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाटिक प्रिंट है जो मशीन के ऊपर ऐसी ही डिजाइन को छाप के बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं बाटिक प्रिंट। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये भी डिजाइन आप देखेंगे तो आपको वैसा वैसा ही लग रहा होगा, बॉर्डर बने हुए हैं, बीच में डिजाइन बनी हुई है, पर ये भी बाटिक प्रिंट है। ये गुजरी के ऊपर बाटिक प्रिंट है। गुजरी जो होता है जनरली आप लोगों ने देखा होगा, फोटोज भी मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा। गुजरी जो होता है जनरली तीन कलर में होता है, रेड, नेवी और मरून। तो ये रेड कलर का गुजरी का पीस आपके सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर भी जो छपा हुआ है गुजरी के अंदर हम लोगों ने बाटिक डिजाइन छापी हुई है। ये था मशीन प्रिंट आइटम प्रोशिन का। ये गुजरी जो होता है वो हमेशा टेबल के ऊपर छपता है, टेबल प्रिंट आइटम होता है गुजरी। और उसके नीचे हम लोग देखेंगे ये इंडोनेशिया रहता है। इंडोनेशिया भी हमेशा तीन कलर में रहता है, वो होता है रेड, नेवी और मरून। जिस कलर में गुजरी होता है उसी कलर के इंडोनेशिया होते हैं। और इंडोनेशिया का जो माल होता है वो भी मशीन के ऊपर छपता है। बस इंडोनेशिया में और प्रोशिन के अंदर फर्क ये होता है, प्रोशिन वाला जो माल होता है वो गारंटेड फास्ट कलर के ऊपर होता है, और ये जो होता है इसमें नेप्टॉल कलर यूज होते हैं। कलर ये भी गारंटेड फास्ट होता है, बस दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आप लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। बाकी वो वाला जो कपड़ा है उसके मशीन पर प्रिंट होने के बाद में वो सिलिकेट होता है, ये वाला सिलिकेट प्रोसेस नहीं होता है। तो दो तीन और ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है। ये हो गया इंडोनेशिया। तो अभी तक हमने आपको तीन क्वालिटीज बताई, प्रोशिन प्रिंट, गुजरी, इंडोनेशिया, और लास्ट वाला जो आइटम है मॉम बाटिक। ये ओरिजिनल बाटिक गिना जाता है। इसके अंदर जो भी रहता है अभी आप देखेंगे उल्टा प्रिंट जो रहेंगे अनसिमेट्री में इसमें ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं पे जैसे ये मिक्स हो रहा है। ये सब इसलिए होता है क्यों, क्योंकि हैंड प्रोसेस का आइटम है और ये पूरा पूरा हाथ से छपा हुआ है। आप लोगों ने इसके बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज भी देखे होंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके ये सारे वीडियो चेक भी कर सकते हैं। ये हैंड प्रोसेस का आइटम है, ये सबसे हैवी आइटम होता है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग जब बात करेंगे तो बाटिक की जो प्रिंट है वो जिस भी कपड़े के ऊपर आप छापना चाहो उस कपड़े के ऊपर छाप सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ये ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा चल रही है, सब जगह पे इसकी डिमांड ज्यादा है। इनके बंडल्स कैसे दिखते हैं हम लोग उसकी भी बात करते हैं। जैसा आप देखेंगे ये जो है प्रोशिन का बंडल है, 12 पीस की पैकिंग वाला बंडल है ये। तो ये प्रोशिन के बंडल में चार कलर है, दो कलर हम लोगों ने रेड पीस बाहर निकाल दिया इसके लिए ऐसा दिख रहा है, बाकी चार कलर का मैचिंग का ये प्रोशिन का बंडल है, ठीक है। गुजरी का जो बंडल रहता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तीन कलर हो गए जैसा मैंने आपको बताया था, रेड, नेवी और मरून, ठीक है। इंडोनेशिया का भी बंडल जो रहता है तीन कलर का रहता है, रेड, नेवी और मरून, रेड, नेवी, मरून, तीनों। और जैसा कि लास्ट में बाटिक है, बाटिक के अंदर तो काफी सारे कलर बनते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाले जो कलर होते हैं वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर की मैचिंग बाटिक में ज्यादा बनती है। अब इनके फोटोज कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको फोन में दिखाता हूं, ताकि आपको हर चीज का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छे से आए और आपको बात करने में और हमसे कोई भी चीज मंगवाने में बहुत इजी हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बाटिक के, प्रोशिन बाटिक के फोटोज है। इस टाइप के डिजाइन बहुत सारी बनती रहती है प्रोशिन बाटिक के अंदर। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ये गुजरी प्रिंट है, गुजरी पे बाटिक की डिजाइन, जैसे ये वाला पीस हम लोगों ने खोला हुआ था अभी,
और ये सब गुजरी की कुछ कुछ बाटिक डिजाइन है, कुछ ऑल ओवर की डिजाइन है। ये इंडोनेशिया वाली है, इंडोनेशिया के ये बाटिक प्रिंट वाली डिजाइन है सारी। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ओरिजिनल मोम बाटिक, ओरिजिनल मोम बाटिक में इस पैटर्न को हम लोग गोला बाटिक बोलते हैं। ये सबसे हैवी रेंज का आइटम होता है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोगों ने बाटिक में आपको वो सब चीजें बताई है जो पिछले वाले वीडियो में नहीं बताई थी। उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ जानकारी, कोई ऑर्डर, आपको जो भी चीज की डिटेल चाहिए आप हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। कई बार हम लोगों के यहाँ से व्हाट्सएप पे रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि काफी सारी इंक्वायरीज हम लोगों को आती है, तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है सारी इंक्वायरीज को सेम टाइम पे रिप्लाई करना। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको उस इंक्वायरी का रिप्लाई भी मिलेगा और आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप हमको क्वालिटी वाइज हमको हमसे जानकारी लेके हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।